एक शिक्षा अधिकारी था, उसे आदेश दिया गया कि तुम ऐसी शिक्षा नीति बनाओ जो इस देश में उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाती रहे। और उसने अपना काम उस आदेश का पूरी तरह पालन किया, और इतना अच्छा पालन किया कि भारतवर्ष में आजादी के समय मैकाले के शिक्षा पद्धति के प्रभाव के कारण गांधी जी द्वारा निर्मित और प्रयोग में लाकर के दर्शाई गई शिक्षा नीति को भारत के लोगों ने बिना कहे अस्वीकार कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि हम बेसिक शिक्षा में, जिसमें कौशल की बात थी, जिसमें गांव की बात थी, जिसमें गांव के आसपास के पर्यावरण को सीखने की बात थी, जो आवश्यक है पृथ्वी के बचे रहने के लिए, पृथ्वी प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को बनाए रखने के लिए, उस शिक्षा पद्धति को हमने नकार दिया। कहा कभी नहीं कि हमने बेसिक शिक्षा पद्धति को नकारा है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। हमने निरंतरता बनाए रखी, जो मैकाले कह गया था हमें उसी में श्रेष्ठता दिखाई दी, क्योंकि जिनको नीति बनानी थी, जिनको नीति का क्रियान्वयन करना था, उन्हें कहीं कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, उनके बच्चे बाहर जा रहे थे, अच्छे पदों पर जा रहे थे। मैं आज कहता हूं कि इस देश में केवल 25% बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वीकार स्तर की शिक्षा मिलती है। 75% बच्चों को नीचे के स्तर की शिक्षा मिलती है और उनके आगे आने की कोई संभावना नहीं होती। अब इसका दूसरा पक्ष लीजिए, अगर 25% बच्चों को ही स्वीकार स्तर की शिक्षा मिलती है, तब भी हमारे युवा भारत का नाम विदेशों में रोशन करते हैं, हमारे यहाँ के बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। अगर इस देश के 80% बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा मिल जाए, तो भारत की बौद्धिक संपदा का मुकाबला कोई देश नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरफ ध्यान देने की इस समय कोई प्रयास ऐसा नहीं हो रहा है जो विश्वास उत्पन्न कर सके। मैंने 1962 जुलाई में पढ़ाना शुरू किया था, 50 साल में पूरे कर चुका हूँ, लेकिन जो विश्वास मुझे 1962 में था, 1972 में था, आज वो विश्वास सुधार में नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति होगी। प्रश्न ये है, हमने 60 साल में वही किया जो मैकाले के अध्ययन से मालूम होता है। ऐसे लोग जो पश्चिम की हर बात से प्रभावित हों, उनकी भाषा से, उनकी संस्कृति से, उनके हाव भाव से, और जो ये मानते हों कि हमारी ज्ञान परंपरा में तो कुछ मिला ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। अगर ऐसा न होता, अगर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना वही होती जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी और जिसका सारे देश में प्रभाव था, ऐसा हमें लगता था, तो निश्चित रूप से हमने ऐसी शिक्षा पद्धति यहाँ लाई होती जिसकी जड़ें भारत की संस्कृति में होती और जो प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होती। मैंने 1996 में एक सम्मेलन में जिनेवा में भाग लिया, जहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, यूनेस्को की पुस्तक थी लर्निंग द ट्रेजर विदिन, और वो इसलिए बनाई गई थी 21वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। जैक लेलोर्स नामक व्यक्ति उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक भाषण दिया जो मैंने सुना और मैंने अपने नोट्स लिए। उन्होंने कहा, दुनिया के हर देश की शिक्षा की जड़ें उस देश की संस्कृति में होनी चाहिए और उसकी प्रतिबद्धता प्रगति के प्रति, नए विचारों को ग्रहण करने के प्रति होनी चाहिए। अर्थात जो शिक्षा पद्धति बोत्सवाना में चल सकती है, जो कोस्टारिका में चल सकती है, वो भारत में नहीं चल सकती। इस बात को हमारी शिक्षा पद्धति आज 60 साल भी भुलाए हुए है, इसे भुलाना उचित नहीं है। इस परिवर्तन को कर पाने के लिए बहुत ही भागीरथ प्रयास की आवश्यकता होगी। बहुत जगह पर यह प्रयास हो रहा है। मुझसे किसी ने पूछा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि भारत की शिक्षा व्यवस्था चल कैसे रही है, क्या कारण है, वहां तो सब कुछ इतना गड़बड़ है। तो मैंने कहा, भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल इसलिए चल रही है कि भारत में परंपरागत ढंग से अध्यापक की जो कर्मठता है वो अभी भी उपस्थित है। हर अध्यापक उस श्रेणी में शायद ना आए, लेकिन भारत में ऐसे अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या है जो अध्यापक होने के बाद ये जानते हैं
कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बच्चे मेरी तरफ देखते हैं, बच्चे मेरे अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं, मेरी हर बात को सीखना चाहते हैं, और मैं भारत के भविष्य के निर्माण में हिस्सेदार हूं। मैंने एक बहुत बड़ा वाक्य पढ़ा जिसमें कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा न हो कि मैं देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूं, मैं लाखों मैं हजारों बच्चों को जीवन की दिशा दिखा रहा हूं, वो अध्यापक हो ही नहीं सकता। वो नौकरी कर सकता है लेकिन अध्यापक नहीं हो सकता। इसीलिए भारत डॉक्टर कोठारी के आयोग ने लिखा कि किसी भी देश के लोगों का स्तर उसके अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता। अगर अध्यापकों में सदाचरण है तो लोगों में भी होगा, यदि अध्यापकों में कर्मठता है तो लोगों में भी जाएगी। एक अध्यापक कितना बड़ा प्रभाव डालता है। नोबेल पुरस्कार विजेता चिंतक और इतिहासकार गुन्नार मिडल ने, इकोनॉमिक्स भी थे वो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी एशियन ड्रामा 1960-70 के करीब, दो हिस्सों में पुस्तक है। उसमें लिखा कि भारत जैसे देशों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्ता के केंद्र हैं, पावर प्लांट, सारी शक्ति, सारी गुणवत्ता कहां से आएगी, जहां शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है सबसे पहले उधर ध्यान देना चाहिए, यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में जस्टिस जयेश वर्मा की अध्यक्षता की एक समिति बनी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में समिति बनी, उसने महाराष्ट्र के 291 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और उसने लिखा है, भारत सरकार को कहा, केवल 34 इस लायक हैं जो अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, 291 माइनस 34 इस लायक नहीं है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण करें। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं? क्या लाखों विद्यार्थियों को महाराष्ट्र में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या ऐसी स्थिति देश में नहीं है? क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है? ये विचारणीय प्रश्न है। ये जो 291 संस्थान बने हैं उसमें करीब 250 तो नए, और कैसे बने अध्यापकों ने ही कहा ये बनने लायक हैं, अध्यापकों की समितियां गई जिन्होंने कहा बनने लायक हैं। आप सबके भी विचारणीय बने, वो कौन से लोग थे जिन्होंने कहा ये बनने लायक हैं जो जानते थे बनने लायक नहीं? ये एक बड़ी चीज है जिस पर हमारे पास ध्यान देना होगा, क्योंकि परिवर्तन की धुरी तो अध्यापक ही होता है। बहुत बड़े से बड़ा परिवर्तन होगा तो अध्यापक से ही होगा। प्रारंभ के दिनों में मैं बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि गांधी जी की बात देश के लोगों तक कैसी पहुंचती थी। टेलीविजन नहीं था, अखबार भी कम थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कैसे जाती थी बात। और मैंने जो व्यक्तिगत अध्ययन से मैंने पता लगाया कि भारत में गांधी को गांधी बनाने का काम भारत के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने किया। आज वो अध्यापक अपने उस महत्व को भूल गए हों तो उन्हें फिर से बताना पड़ेगा। मैंने 22 ऐसे अध्यापकों से साक्षात्कार कराए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनसे यही पूछा कि उस समय जब परिस्थितियां आपके खराब थी तब तो आपने बदलाव की प्रक्रिया में भाग लिया, अब आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, अब अज्ञान को हटाने में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, आज क्या कारण है जिसकी वजह से आप पीछे चले गए। वो पुस्तक छपी है, बाद में बड़ी मुश्किल से छपी। शिक्षा पर बात करते समय ये भी ध्यान देना होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और कहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं जहां जहां गया कई जगह तो प्रधानाध्यापकों तक ने नहीं कहा, उन्हें कुछ नहीं मालूम। होना ये चाहिए था कि एक आंदोलन हो जाना चाहिए था देश भर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज देश में करीब 23% अध्यापक अप्रशिक्षित हैं, 50 लाख अध्यापक सारे देश में, 50 लाख पद सृजित हैं जो कक्षा 1 से 8 तक है सरकारी स्कूलों में, उसमें से 11 लाख खाली। आप सोचिए 23% अप्रशिक्षित, 11 लाख खाली, 7-8 लाख वे लोग जो थोड़े से मानदेय पर कार्य करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है वो अपने बच्चों की देखभाल के प्रति सचमुच उत्साहपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है? और ऐसा देश आगे कैसे बढ़ता है, उसकी प्रगति को
सब तक कैसे पहुंचाया जा सकता है अगर शिक्षा सब तक समान रूप से गुणवत्ता के आधार पर नहीं जा रही है, और जहां नहीं जा रही है उसको कोई देखने वाला नहीं। 1962 में गांधी जी ने कहा कि आजादी आने के बाद हमारे लोग सुखी नहीं होंगे, क्योंकि तीन चीजें हमें बहुत तकलीफ देंगी और जिसके कारण लोग कहने लगेंगे कि आजादी के पहले ही अच्छा था। वो तीन चीजें उन्होंने बताई थी, पहला चुनाव, और लिखा था डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, चुनाव में गड़बड़ियां होंगी, चुनाव का स्वरूप बदल जाएगा, चुनाव का रूप बदल जाएगा, चुनाव में और बहुत सी चीजें इंग्लैंड में जो होता था वो जानते थे। धनी लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया टिरेनी ऑफ द रिच, आज अगर लिखते तो कारपोरेट्स लिखते अभी तो खैर, और दूसरा है बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का बोझ। ये तीन चीजें भारतीयों को बहुत तकलीफ देंगी, और आप जानते हैं ये तीनों चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, लेकिन उन्होंने इसी में लिखा था बट देयर इज अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण है, अगर शिक्षा सब तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच जाए। अब इसको दूसरे ढंग से सोचिए, स्वतंत्रता के समय हमारे पास 22% शिक्षित लोग थे, लिटरेसी रेट 20 के करीब था, आज 74-75 कहा जाता है, साथ ही साथ आबादी भी 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई, इसलिए सरकार कहती है हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हमें मान लेना चाहिए बड़ी उपलब्धि। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि जितनी शिक्षा बढ़ी वैसे ही कदाचरण बढ़ा, वैसे ही लोगों के प्रति अन्याय बढ़ा, वैसे ही शोषण बढ़ा। आशा तो ये थी कि शिक्षा ही एकमात्र किरण है जो सामान्य मूल्यों को लाएगी, नैतिकता को लाएगी, लोगों को भाईचारा बढ़ाएगी, सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगी, धार्मिक सद्भाव बढ़ाएगी। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता था। जिस शिक्षा की संकल्पना थोड़े से लोगों को तैयार करने के लिए की गई थी, जो उपनिवेशवाद की धुरी को मजबूत करें, उस शिक्षा को आपने सब तक फैला दिया, जो तंबू थोड़े लोगों के लिए बना था उसको आप कितने लोग बैठा सकते हैं। इसलिए शिक्षा बिखराव की स्थिति में पहुंच गई है, जिसके कारण हम सब लोग इस समय परेशान हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता कहां पर है, इसका अध्ययन होना चाहिए। हम बच्चों में राष्ट्रीयता लाने में उत्सुक हैं या नहीं है? हमने कहा सेक्युलरिज्म हमें लाना है, राजनेताओं ने कहा रामायण पाठ्य पुस्तकों से दूर, महाभारत नहीं नहीं, गीता ओह नो, रिलीजियस। परिणाम क्या निकला? दुनिया भर में माना जाता है रिलीजियंस आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वैल्यूज बट दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वैल्यू। दुनिया भर में लोग घर में जो सीखते हैं वे मूल्य माता पिता परिवार कहां से लेता है? धार्मिक कथाओं से लेता है, माइथोलॉजी से लेता है, पारिवारिक परंपराओं से लेता है, फिर उनको सुदृढ़ करता है स्कूल। हमने सिख गुरुओं के बारे में जिस बच्चे को माँ कहती है सुबह गुरु को प्रणाम करके जाओ, स्कूल में जाकर बच्चे को हम पढ़ाते रहे कि वो लुटेरे थे, उन्होंने लूटपाट की थी। जब इसको ठीक करने की कोशिश की गई तो कहा गया ये सेकुलरिज्म के खिलाफ। हम लोगों ने प्रस्ताव किया था, अभी 5 मिनट और है, प्रस्ताव किया था कि सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि भारत का समाज एक धार्मिक समाज है, और सब बच्चों को मूल तत्व इसलिए पढ़ाने चाहिए कि बच्चे सब धर्मों की समानताओं को जानें। अगर मैं अपने पड़ोसी के धर्म की अच्छाइयों को जानता हूं तो मेरा उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा, मैं उसे ज्यादा निकट आऊंगा, लेकिन अगर मैं जानूंगा ही नहीं तो मेरा दुराव तो बना रहे। हमने ये भी कहा था कि सत्य अहिंसा शांति, धर्म या सदाचरण, भाईचारा प्रेम भाव, ये 5 ऐसे मूल्य हैं जिनको कोई नकारता नहीं है। कोई भी धर्म हो, पंथ हो, मजहब हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा जो इसे नकारता हो। हर बच्चे को ये बताइए कि ये 5 जो हैं मूल मूल्य हैं शिक्षा के। हर शिक्षक को हर स्टेप पर, चाहे वो खेल खिला रहा हो, चाहे वो इतिहास पढ़ा रहा हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, ध्यान में रखे कि ये 5 मूल्य मुझे इस बच्चे के अंदर स्थापित कर दें।
संक्षेप में आपको कहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब धर्मों के मूल तत्वों की शिक्षा देना संविधान के पूरी तरह अनुकूल है और यह सेक्युलरिज्म का सुदृढ़ आधार बन सकता है। हम लोगों ने यह भी कहा था कि असली सेक्युलर व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने धर्म को समझता हो, यानी ओनली ए ट्रूली रिलीजियस पर्सन कैन बी ट्रूली सेक्युलर। जो अपने धर्म को नहीं जानता वो सेक्युलर हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना विचार है, बहुत से लोग इसे सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि सब धर्मों की जानकारी देने में कहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे कहा गया था कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति में बात करूं, मैंने अभी तक जो बात कही है वो वही उसी की बात है कि जिन 70% स्कूलों को सरकार ने छोड़ दिया है, उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है, उस सरकार ने धीरे धीरे अपने को उच्च शिक्षा से भी हटा लिया है और उसे लगता है कि अगर भारत में विदेशी विश्वविद्यालय आ गए तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये बात मेरे जैसे व्यक्ति समझ में नहीं आती कि अपने देश पर अपने लोगों पर बिना विश्वास किए हुए बाहर से आकर कोई यहाँ पर ऐसा विश्वविद्यालय ऐसा कैंपस क्यों खोलेगा, और ये भी कहते हैं उसे लाभ कमाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे लोग कहाँ पर हैं जो आएंगे और ऐसा करेंगे, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है, ना आएगा। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने लिखा कि जब वो विल्सन कॉलेज में पढ़ते थे, विल्सन कॉलेज बॉम्बे, बहुत पहले की बात होगी, 100-125 साल पहले की, तो वहां पर लोग रामायण और महाभारत की आलोचना करते थे और जो नहीं करता था उसे निहायत कंजर्वेटिव बुर्जुआ ऐसा माना जाता था। प्रगति की डायनेमिज्म की विकास की निशानी यह थी कि रामायण महाभारत का हंसी उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। बोले मैं भी करता था। एक बार मैंने श्री अरविंदो का एक लेख पढ़ा, उससे प्रभावित होकर मैंने रामायण और महाभारत का अलग से अध्ययन किया और फिर आप जानते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने क्या किया। उनका वो व्यक्ति से व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गए, व्यक्तित्व से संस्थान में परिवर्तित हो। हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो आज वो बता सकें कि भारत को जानने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, लेकिन उनके जो पुस्तकें हैं नेहरू जी की उनमें से भी कुछ अंश अब लगातार निकाले जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा कि अगर मुझे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी धरोहर क्या है तो मैं कहूँगा वो है संस्कृत, संस्कृत वाङ्मय, और जो कुछ उसमें लिखा है। बाद के जो एडिशन्स आए हैं उनमें यह वाक्य निकाल दिया गया। यह सिर्फ आपको एक इशारा करने की बात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमारी सभ्यता में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी ज्ञान परंपरा में ये माना गया है कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति से महत्वपूर्ण परिवार है, परिवार से महत्वपूर्ण समुदाय है, समुदाय से महत्वपूर्ण देश है, और देश से महत्वपूर्ण मानवता है। ये हम जानते हैं, इसलिए हम विश्व में इसीलिए हम ये बहुत पहले कह सके कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अन्यथा हम ये कह नहीं पाते। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों की याद आनी चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं था मगर जिन्हें विश्वास था कि समाज शिक्षा में योगदान देने के लिए आगे आने को तैयार। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने प्रारंभ में 3 वर्ष पढ़ाया और ऐसा लगता था जैसे मालवीय जी का व्यक्तित्व तो हर तरफ दिखाई देता है। आज भी मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में कोई भी सुधार सरकार के द्वारा हो जाए इसकी कोई संभावना नहीं। अगर शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित होना है तो पहला काम है ट्रस्ट द टीचर, अध्यापक पर विश्वास करे, समाज भी करे, सरकार भी करे। दूसरा, सरकार समाज के पास जाए और कहे आप आइए मेरी सहायता करिए। अगर मालवीय जी इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना सकते थे, आप में से बहुत लोगों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं और बहुतों से मैं परिचित हूं, वे भी ऐसा कर सकते हैं, सारे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। चीन में कहते हैं किसी भी गांव में जाइए, सबसे बड़ा अच्छा भवन जो होगा वो स्कूल होगा, क्योंकि हर एक ने उसमें सहयोग किया। मैं एक बात कहता हूं, भारत ने गांधी को नकार दिया बिना वैसा कहे, चीन ने गांधी को स्वीकार कर लिया बिना उसको कहे। उनके हर स्कूल में वैसी शिक्षा मिलती है।
आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दिसंबर 2003 को एनसीईआरटी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पर्यावरण शिक्षा को कक्षा 1 से 12 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाइए, लेकिन इससे बोझ नहीं बढ़ना चाहिए पाठ्यक्रम का। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। हमने मार्च 2004 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा पाठ्यक्रम दिया कक्षा 1 से 12 तक जो एक अलग विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। मई में वो सारे राज्यों को भेजा गया। 13 जुलाई 2004, आप चाहें तो ये याद करें, 13 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया है, भारत के हर राज्य में पर्यावरण शिक्षा अलग विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में जो कमी आ गई है, जो एक नीचे जाने वाला प्रवाह से रोकने के लिए हर व्यक्ति अंदर पर्यावरण के बारे में बात बड़े विशेष रूप से आनी चाहिए। मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता था, लेकिन बाद में अन्य चीज़ों के साथ वो भी निरस्त हो गया। मेरा समय करीब करीब पूरा हो गया है। मैंने मुख्य रूप से ये कहा है कि विकल्प केवल ये है कि समाज के पास जाया जाए, उनसे कहा जाए कि आप आइए और वे आएंगे। मालवीय जी का उदाहरण मैंने दिया, ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। दूसरी बात, रास्ता तो भारत को ही दिखाना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शांति